फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए, शालिग्राम भगवान जी हैं, मैं उनका मेकअप कर रही हूँ। फेस देखिए उनको, मेरे थोड़े भगवान जी ऐसे लंबे से हैं, एकदम राउंड नहीं है, और कहीं कहीं उनमें थोड़ा सा वो निशान टाइप भी है। देखिए कहीं कहीं से खुद एक कुरूरे टाइप हैं थोड़े, तो थोड़ा सा शायद हो सकता है मेकअप में फिनिशिंग ना आए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अच्छा बने। तो ये देखिए, सबसे पहले तो जो उनके एक बेस कलर जो ब्लैक है उसको करेंगे एक बार, जिससे उनमें अच्छे से थोड़ा शाइनिंग आ जाए। ये देखिए, तो ये देखिए मैं एक कोट मैंने किया है, और दो कोट भी कर सकते हैं। एक कोट किया है मैंने क्योंकि ब्लैक तो है ऑलरेडी वो, तो उस पर एक किया है जिससे थोड़ा शाइनिंग आ जाए और थोड़ा सा इधर उधर निशान है शायद कम दिखे। अब इसको सुखा लिया है मैंने। सूखने के बाद देखिए, अब इसमें वाइट कलर करूँगी। सब मैंने एक्रेलिक कलर ही यूज़ किए हैं जिससे थोड़ा सूख जाएंगे। बरसात के मौसम है, यदि मैं ऑयल पेंट या कुछ यूज़ करती तो शायद बहुत सूखने में टाइम लगता और ज़्यादा। इसको भी टाइम लग रहा है, तो इसमें देखिए वाइट एक्रेलिक कलर लिया है मैंने। तो इससे मैं आईज़ बना रही हूँ, थोड़ा सा अंदाज करके देखिए कोशिश करूँगी एक साथ एक से ही बन जाए। तो आईज़ बनाएंगे, दो तीन उस पर मैं एक कोट दो कोट दो तीन कोट करने पड़ेंगे तभी वाइट आएगा, नहीं तो ब्लैक के ऊपर ही देखिए ब्रश के साथ ब्लैक आ रहा है, जबकि 6-7 घंटे हुए हैं सूखने के बाद तब भी। तो इसमें वाइट कोट करूँगी। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। लास्ट तक पूरा वीडियो देखें और आप भी घर पर ट्राई करें, और कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डालें। ये देखिए वाइट कितना सुंदर लग गया है, और तिलक भी बना दिया मैंने वाइट से। और अब देखिए इस पर येलो कलर करूँगी। तो ये देखिए करीब ऊपर में आधे से थोड़ा सा कम में मुझे इसमें येलो कलर करना है, आधे से थोड़ा कम आई में आइस पोर्शन। ये देखिए, तो इस तरह से अब मैं बहुत सूखने का वेट नहीं करूँगी। थोड़ा अब येलो है ऊपर तो वाइट सूखा हुआ है, इसलिए उस पर फिर मैं देखिए और आगे भी काम करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सुंदर बन के तैयार होगा, बहुत आसानी से और बहुत सुंदर बन जाता है। ये देखिए, मेरे को कोई बोले थे कि आप हम तैयार कर देंगे, आप हमारे यहाँ 2 दिन छोड़ दीजिए। बोले भगवान, तो मैं 2 दिन नहीं छोड़ूंगी आपके यहाँ, तो इसलिए मैं खुद ही करूँगी उसको। तो मैंने देखिए खुद ही किया है। थोड़ा ब्रश मेरे पास 0 नंबर से नीचे का नहीं है, तो 0 नंबर की ब्रश से ही मैं कर रही हूँ। 00 000 30 वाला 0 वो भी अच्छा रहता है थोड़ा और बारीक उसके लिए। तो मैं कर लेती हूँ थोड़ा। ये देखिए, ये तिलक में बीच में रेड कलर लगा दिया, एक क्रिमजन रेड कलर है, और इसमें बीच बीच में डॉट्स दे दिए मैंने इसी से। देखिए थोड़ा सा ऐसे नॉर्मली तिलक मिलता है बाज़ार में ऐसा, तो मैंने वैसा ही बना दिया। इसमें छोटे छोटे स्टोन रहते हैं वाइट में रेड कलर के, रेड में वाइट भी होते हैं। ये देखिए, अभी ये मुँह बनाया मैंने, और अब इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। ऊपर एक लाइन देखिए रेड की दी है, ये बिंदियाँ इसमें छोटा छोटा, और भी कुछ अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं कुछ भी, और जो समझ में आए, आँखें और ये मेन रहते हैं, और सजावट करनी। मेरा क्या है, बहुत ऊंचा इस तरह का नहीं, इतना जगह नहीं है वहाँ पे, इसलिए उतना ही मैं करूँगी बस। बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है तो फिर जगह नहीं बचेगी, इसलिए अभी इसको थोड़ा सा ये मुंह बनाया है, फिर थोड़े से गाल पे बिंदियाँ बिंदियाँ माथे पे, ये सब देखिए अब लगा रही हूँ। रेड कलर का यूज़ किया है, ये देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है। ये रेड के ऊपर मैंने वाइट डॉट्स भी लगाई हैं, जितना करेंगे आप उतना अपने जैसा अच्छा लगे उस हिसाब से, क्योंकि ब्लैक कलर का है इसलिए इस पर वाइट रेड येलो सभी कलर बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये देखिए इस तरह से बिंदियाँ बिंदियाँ लगाई, फ्लावर बना दिया मैंने। ये देखिए पूरा दोनों तरफ फ्लावर से बन गए हैं। अब आईज़ को थोड़ा सा शेडिंग करेंगे आईज़ में,
नीचे थोड़ा मैं ब्लू में, वाइट ब्रश है मेरे पास उसी को मैंने थोड़ा सा ब्लू लिया है और ब्लू और वाइट का शेड बना है, थोड़ा लाइट ब्लू हो गया है। उसको देखो मैं आँखों में लगा रही हूँ तो इस तरह से एक बहुत सुंदर शेड आएगा आँख का। ये देखिए ब्लू एंड वाइट मिला के आँख में शेड दिया है, बहुत ही सुंदर शेड आएगा तैयार। और ये देखिए आँखें पीछे मैंने पीले के ऊपर थोड़ा सा आईब्रोज के साथ थोड़ा दिया है, स्ट्रोक्स दिए हैं मैंने थोड़े से। और ये देखिए बीच में पतली बिंदी देखिए आपके लिए, और बहुत सुंदर बनके तैयार होगा फ्रेंड्स, और बहुत सुंदर लगते हैं भगवान जी। इसके ऊपर फिर मैं हम लोग ये देखिए इसको मैंने एक ग्रीन कलर का भी यूज़ किया है, वाइट जो प्लेन दिख रहा था तो वाइट के ऊपर ग्रीन डॉट्स दे दिए हैं। और अपनी सोच के जैसे भी अच्छा लगे वैसा आप कलर को यूज़ कर सकते हैं, पिंक भी कर सकते हैं, जो मैजेंटा कलर होता है उसको भी कर सकते हैं। तो लेकिन बेस कलर जैसे मैंने लिए हैं पूरे, ये देखिए इस तरह से ही, और देखिए इस तरह से मैंने नाक पे भी थोड़ा सा वो बना दिया है, पहना जैसे कुछ पहने हैं स्टोन टाइप बनाया है वाइट रेड का, एक एक डॉट दिया है। अब सूखा लिया है, सूखने के बाद फिर मैंने इस पर वार्निश किया है, वार्निश का एक कोट अच्छे से किया है, सूख जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी सूखा नहीं है मेरा, सूख जाएगा, मैं एक कोट और करूँगी। तो इस तरह से थोड़ा सा ये अच्छा ज़्यादा दिन तक चलेगा ये जो भी काम किया है, एक कोट सूखेगा उसके बाद दूसरा, सूखने में टाइम लगेगा अभी बरसात का मौसम है, जब सूख जाएगा तो एक कोट और करूँगी मैं इस पर। तो बहुत अच्छी शाइनिंग भी आती है, और जो ये कलर जो भी किए हैं तो इसको थोड़ा सा सुरक्षा मिल जाती है, पानी वगैरह से धोएंगे तो जल्दी ख़राब नहीं होगा, तो ये काफ़ी दिन चलेगा। देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री कृष्णा।